इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल मुकाबलो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने जीत लियो। यो मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5वें दिन 209 रन से अपना नाम कर लियो और ही मुकाबला ने जीत के साथ ही टीम इंडिया को सपनों एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने को टूट गो। टीम इंडिया के 10 साल बाद में कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतने को मौका हो, लेकिन टीम इंडिया एक बार फिर से इस मौका ने भी गवा दियो। आज के दिन का खेल की बात करा तो आज का दिन टीम इंडिया ने बहुत ही बुरा खेल दिखाया है। 5वें दिन टीम इंडिया ने जीत के लिए 280 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में 7 विकेट आ, लेकिन टीम इंडिया इस मैच को पहले सेशन भी कोई खेल सकी। टीम इंडिया आज के दिन जे ही मैच में खेलने उतरी तो गेंद कुछ हरकत कर दी। अगर कोहली और राणे कुछ देर तक टिक्की आराम से खेलता तो हो सको हो कि मैच इंडिया के पक्ष में जाता, लेकिन विराट कोहली ने बहुत ही अग्रेसन शॉट खेलो और यो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज को बहुत ही खराब शॉट हो। विराट कोहली का आउट होने के बाद में लगातार विकेट गिरता चला गया और टीम इंडिया ये मुकाबला 209 रन से हार गई और टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जीतने को सपना एक बार फिर से टूट गो। अगर सही बात बताऊं तो टीम इंडिया की यह कहानी लगातार कुछ साल से हो रही है। टीम इंडिया हर बार फाइनल और सेमीफाइनल में जाके आ जाए और फिर हार की जिम्मेदार होगा कि अगली बार कोशिश कर जाए, लेकिन बार बार टीम इंडिया ने हार को मुंह देखना पड़े। टीम इंडिया ने अपनी लास्ट ट्रॉफी एमएस धोनी की कप्तानी में जीती, लेकिन एमएस धोनी के जाए बाद में टीम इंडिया ट्रॉफी के लिए तरस गई। अब सबने 2023 का वनडे वर्ल्ड कप से उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो कम से कम टीम इंडिया जीत सके, क्योंकि यो वर्ल्ड कप इंडिया में ही क्रेज होगा। अब अगर थाने वीडियो चौखो लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।